नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी कानून के सभी पहलुओं पर विचार करेगी और एक देश एक चुनाव की संभावना का पता लगाएगी। इसरो वैज्ञानिकों की एक टीम आदित्य L1 मिशन मिनी मॉडल के साथ तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा देश में एक देश एक चुनाव की सभा लेकर कमेटी गठित करने के बाद राजनीतिक गहमा गहमी बढ़ गई है। सभी राजनीतिक दल इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस मुद्दे पर उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट वाले शिवसेना के नेता अनिल देसाई ने कहा कि सरकार को सभी राजनीतिक दलों से बात करनी चाहिए। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इंडिया अलायंसेस की बैठक से पहले शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन जीत हासिल करेगा। भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने साफ कर दिया है कि KL राहुल पाकिस्तान और नेपाल के खिलाफ खेले जाने वाले एशिया कप 2023 के मुकाबलों में उपलब्ध नहीं रहेंगे। एशिया कप में खेले गए दूसरे मुकाबले में श्रीलंका ने बांग्लादेश के 5 विकेट से मात दी, जिसके साथ गत विजेता ने ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में 2 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज मामले की सुनवाई पूरी हो गई है। दिल्ली पुलिस के वकील ने दलील रखने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को 12:30 से होगी। मुंबई पुलिस को मिली धमकी भरी कॉल में दावा किया गया है कि 2 पाकिस्तानी नागरिक शहर पहुंचेंगे और ऐतिहासिक ताज होटल को उड़ा देंगे। इसको लेकर मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। 1995 के दोहरे हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बिहार के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे। प्रभुनाथ और बिहार सरकार को पीड़ितों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। एक देश एक चुनाव को लेकर शिवसेना UBT के सांसद संजय राउत ने कहा है कि देश एक ही है, हमारा नारा फेयर इलेक्शन कराने पर है, ये एक षड्यंत्र है चुनाव आगे ले जाने का। ये थी आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।